नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपी आवास रोड स्थित जुडिशल मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास में बीते 12 जुलाई की रात्रि हुई चोरी की घटना का जिला पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने 19 जुलाई को सफल उद्भेदन करते हुए एक चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार चोर के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार चोर की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पेठिया गाछी निवासी 28 वर्षीय सूरज कुमार के रूप में की गई है। उक्त जानकारी समस्तीपुर एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चोर सूरज कई तरह के नशे की आदत का शिकार है। वह अपनी नशे की इस लत को पूरा करने के लिए ही चोरी किया करता था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास में चोरी होने के तत्काल बाद ही सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद गठित एसआईटी के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना संकलन के आधार पर घटना में शामिल आरोपी युवक सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक यही निशानदेही पर उसके पास से पुलिस ने चोरी किया हुआ सोने का एक झुमका सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस के द्वारा की गई विस्तृत पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह नशे की लत का शिकार हो गया है, जिस आदत की पूर्ति के लिए वे चोरी की घटना को अंजाम देने लगा था। पुलिस के अनुसार आरोपी के द्वारा पूर्व में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं नगर थाने की पुलिस आरोपी सूरज कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में जुट गई है। मौके पर सदर डीएसपी संजय कुमार पांडे सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप लोगों को ज्ञात होगा जुडिशरी के कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, प्रोविजनल ऑफिसर्स हैं, उनका एक रेजिडेंस है, क्वार्टर है, वहाँ पर से चोरी की घटनाएं हुई थी। 7 तारीख की रात को एक पहली चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कि बाहर जो रेजिडेंस का जो रहने वाला क्षेत्र है उसके जस्ट बाहर की ओर कुछ सामान रखा हुआ था, उसको चोरी किया गया था। और उसके बाद 12 तारीख की रात में घर में से कुछ सामान चोरी किया गया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसडीपी सदर के नेतृत्व में एसएचओ टाउन के साथ मिलकर के पूरी टीम बनाई गई थी। ये लोग लगातार घटना का अनुसरण कर रहे थे और घटना के उद्भेदन के लिए प्रयासरत थे। इस पूरी घटना का उद्भेदन हो गया है। इस घटना में सूरज नाम का चोर है जो घटनाएं करता है, और जब इस घटना स्थल उसका निरीक्षण किया गया और पूरी घटना को समझा गया, तो जो सीसीटीवी वहाँ पर लगा हुआ था उससे स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति रात में करीब 12 तारीख की रात में जो घटना हुई थी उसमें करीब 1 बजे के आसपास, बाउंड्री की हाइट काफ़ी छोटी है तो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है और सीसीटीवी में स्पष्ट दिखता है, करीब 1.5 घंटे के आसपास ये उस घर में रहता है और जो सामान मिलता है उसको चोरी करता है। ये व्यक्ति पूरी तरह से नशे का आदी व्यक्ति है, लगातार नशे में रहता है, शोलेसन से लेकर कई तरह के जो इस तरह के ड्रग्स होते हैं उनको ये लेता है, और ये नशे में रहते हुए इस तरह की घटनाओं को करता था।